घर एकदम अलग बनाया है इस टाइम, एक यूरोपियन थीम बनाया हमने, और मैजिकल मिस्टिकल मैजिस्टिकल वैसा एक वर्ड जो अगर यूज़ करें ना तो उस हिसाब से किया हुआ है। एंड इस टाइम क्या हमने पूरा घर जो एक्सटीरियर में दिखता है ना वो हमने अंदर बना दिया है पूरा। अंदर का लिविंग रूम पूरा चेंज होके एक स्ट्रीट बना दिया है, यूरोपियन स्ट्रीट अगर आप जाते हो या गॉथिक या हैरी पॉटर का देखते हो ना तो वैसा एक स्ट्रीट है। और वो स्ट्रीट में हर एक जो बिल्डिंग है वो उसकी खासियत अलग अलग है, बिकॉज हर एक बिल्डिंग के अंदर रूम अलग अलग है। यू नो, जो एक वाइट रूम हो गया, एक ब्राउन रूम हो गया, एक ब्लैक रूम हो गया। इससे हमारे पास पहली बार एक फुल डाइनिंग टेबल जो है वो नहीं है, हर एक रूम में अपने अपने डाइनिंग रूम है। जैसे ये ब्लैक रूम का ये डाइनिंग हो गया, एक नया कॉन्सेप्ट है ये सारा। जैसे कि घर में यहाँ पर हर कोने में डाइनिंग रूम बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सिटिंग चेयर्स रखे गए, इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे दो नई चीज़ें देखने को मिली है, एक है थेरेपी रूम जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया था, और एक है आर्काइव रूम। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? वो क्रिएटिव का ही कॉल था कि हमको एक ऐसा प्लेस दे दो जहाँ अगर आर्काइव में किसी को अपना अपना यू नो रूप देखना हो, जो किसी और ने बोला हो या तो किसी और ने आपके बारे में कुछ बोला हो, तो वहाँ जाके आपको देखने मिलेगा वैसा। क्या बिग बॉस का सीजन आप फॉलो करते हैं, और इस बार आप कंटेस्टेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो घर का किस तरह से इस्तेमाल करें? एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि मेरा जो घर इतना प्यार से बनाया है उसको देखभाल करो एंड अच्छी तरह रखो। बहुत प्यार से बनाया हमने, इसकी देखभाल करो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इतना खूबसूरत घर बनाने के लिए, और हम अगले साल भी इंतज़ार करेंगे कि आप इतने कम समय में इतना ग्रैंड घर किस तरह से बनाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये थे टेली रिपोर्टर के साथ उमंग कुमार जी, जिन्होंने बिग बॉस का घर डिज़ाइन किया है। हर साल ये घर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी बात ये देखने को मिली कि हर बार इन्हें 75 दिन मिलते हैं, इस बार इन्हें सिर्फ 40 दिन का मौका मिला था, लेकिन 40 दिन में भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत घर बनाया है। और इस बार बिग बॉस का घर हाइट में डबल है। फिलहाल आपको बिग बॉस 17 का घर कैसे लगा है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और टेली रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।